नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली न्यूज 9 और मैं हूं मनीषा श्रीवास आपके साथ। डालते हैं एक नजर आज की मुख्य खबरों पर। व्यापारी व आड़तिया मतदार संघ के अधिकृत उम्मीदवार श्री राकेश भावलकर जी हैं हमारे समक्ष। सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि कौन से मुद्दे पर आप इलेक्शन में खड़े हो, क्या आपके मुद्दे हैं, उस बारे में बताइए। पहली बात तो यहाँ पे 2012 के बाद जो प्रशासक लगा और उसके बाद यहाँ का जो विकास जो रुका, वो इतना रुका कि यहाँ के व्यापारी रोडों के लिए, पानी की समस्या के लिए ड्रेनेज लाइन हो गई, या कर्मचारियों की सुविधा नहीं है, कर्मचारियों को रहने की सुविधा नहीं है, या किसान लोग जो आते हैं उनको खाने की व्यवस्था नहीं है, उनको सोने की भी सुविधा नहीं है। ड्राइवर लोग यहाँ आते हैं, जो बड़े बड़े ड्राइवर के ट्रकों से गाड़ियाँ या लोडिंग अनलोडिंग होती है, वो बेचारे सोते नहीं, खाने की उनका, इन सब चीज़ों के कारण ऐसा लगता है कि हमारे जैसे लोग, यंग यूनिवर्सिटी, जो इस सब 8-10 सालों से जो मैंने देखा, वैसे हम तो चौथी पीढ़ी है इस बाज़ार के अंदर में। हमारा मारवाड़ी चौक से मिर्ची का काम चालू हुआ बंडी से, फिर शक्करदरा से कृषि समिति बाज़ार। मेरी फर्म को आज 80-90 साल के आसपास हो चुके हैं और मैं चौथी पीढ़ी का आदमी हूँ, लेकिन जब से मैं यहाँ पे हूँ और जब से मैं यहाँ पे वर्किंग में लगा हूँ, तब से मैं देख चुका हूँ कि यहाँ पे मैंने रोड, रास्ते, लाइट, पानी के लिए हमालों की सुविधा देखो या कर्मचारियों की सुविधा देखो, सब उद्ध्वस्त हो चुका है। और हम चाहते हैं कि हमारे जैसी यूनिटी यहाँ बैठे, हम लोग यदि APMC में पहुँचते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे जो होने वाली जो समस्या है, इसके ऊपर में हम लोग एक मीटिंग रखेंगे कि यहाँ पे किस किस चीज़ की सुविधा होना चाहिए, किस तरीके से यहाँ फंड लाएंगा, कौन सा फंड किस तरीके से यूज़ होना चाहिए, और उसके माध्यम से एक एक टप्पे टप्पे में हर एक क्षेत्र के काम यहाँ पे होना चाहिए। तो हम लोग अपने साथ में रह के संघर्ष करके कमेटी में, समिति में बैठ के उसको हम लोग अपने मुद्दे उठा के इस काम को अंजाम दे सकते हैं। आमतौर पे यह भी देखा गया है कि यहाँ पे सुरक्षा में सेंध लगा रहे हैं ये चोर लोग, और आड़तिया और जो किसान वर्ग है या व्यापारी है, उनकी सुरक्षा खतरे में है। उस बारे में आप क्या ये दोगे आश्वासन? अपन एक बारकोड सिस्टम का कुछ ऐसा प्रस्ताव लाएंगे, जैसा लोग आते हैं, सिचुएशन जो होती है, बारकोड सिस्टम जो मोदी साहब ने लाया, आजकल OTP आता है, हर चीज़ आती है, गाड़ी कितनी लोड हो रही, कितनी जा रही है, कितना क्या भर रहा है, कितना कुछ हो रहा है, तो ये सब चीज़ें ऑनलाइन चीज़ों में सब जानकारी होना चाहिए। ये सब चीज़ों के लिए अपन कुछ ना कुछ प्रस्ताव लाने का काम करेंगे। साथ धोखाधड़ी नहीं होना चाहिए, व्यापारियों के साथ में भी कुछ धोखाधड़ी नहीं होना चाहिए। और ये भी देखा गया है कि जो निर्माणधीन जो गाले हैं उसका जो वाटअप है, उसमें भी काफ़ी भेदभाव हुआ है और प्रशासक ने उस पर ध्यान नहीं दिया। वो जो चीज़ें हुई है, वो वाटअप में भी इतने भ्रष्टाचार हुए, उसको भी किसी ना किसी माध्यम से उसको दुरुस्त किया जाएगा और उस चीज़ को भी कहीं ना कहीं अपन अमल बजावनी करेंगे। यहाँ देखा गया कि कचरे का ढेर है जगह जगह पे, CCTV भी के कैमरे भी नदारद है, तो ये सारी की जो सुरक्षा पुख्ता होना चाहिए, उस टाइप की सुरक्षा नहीं है, उस संदर्भ में आप क्या आश्वासन देंगे जीतने के बाद? यहाँ तो सबसे पहले जो कचरे का जो विषय है, यहाँ के खुद व्यापारी व लोगों ने और यहाँ के जो आड़तिया दलाल लोग हैं, उन्होंने एक टीम बनाना चाहिए, एक समय के ऊपर में एक अपनी एप्लीकेशन देके ये कचरे जिस तरीके से जा लगते हैं, उन्होंने खुद आके वहाँ पे बोलना चाहिए कि कचरे का यहाँ ढेर है या कुछ सुविधा होना चाहिए। पर यह ऐसा है कि अगर वो लोग कंट्रोल रखें कोई चीज़ के लिए, कचरा अपनी जगह पर डाला जाए, हर जगह पर अगर बिखारते रहेंगे, तो उसके लिए वो उन्होंने भी ध्यान देना चाहिए। बीच में जब कोरोना पिक पर था, उस समय देखा गया कि ये जो मार्केट APMC, इसमें काफ़ी पेशेंट्स पाए गए थे और संक्रमण बहुत फैल गया था, उसको अंकुश लाने के लिए ऐसी कोई पॉलिसी खास नहीं थी, उस बारे में आप क्या उस कदम उठाएंगे? अब वो कोरोना तो चले गया, अगर यदि अभी पास्ट हो गया हो, तो अभी अगर फ्यूचर में इस तरीके का कुछ होता है, तो सबसे पहले तो उसकी सुविधा ये करना चाहिए कि स्टेप बाय स्टेप मार्केट खुलना चाहिए, जिसका जिस दिन मार्केट है उस दिन मार्केट खुलना चाहिए, अतिरिक्त लोग आके जबरदस्ती बैठ के उसको भीड़ बनाते हैं, या सबसे ज़्यादा तो सब्जी मार्केट जो रहता है वो सुबह रहता है, उनका सबसे ज़्यादा भीड़ सुबह सब्जी मार्केट के लिए रहती है।
उसके लिए स्टेप बाय स्टेप एक चीज लेना चाहिए कि एक मार्केट खुला है तो उसके बाद में 4-5 घंटे के बाद में दूसरा मार्केट खुलना चाहिए, अगर ऐसी कभी फ्यूचर में कोई बरात होती है तो। आप चौथे पीढ़ी के उम्मीदवार हो, आप हमारे दर्शकों को ये भी बताइए कि आप किस तरह का मैसेज दोगे। मैसेज यही देना चाहता हूँ कि मैं नया हूँ, आप एक बार चांस दीजिए। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ तो मैंने भारतीय जनता पार्टी के रूप में अनेक काम किया भी हूँ और काम करते समय में मुझको पता भी है कि किस तरीके से काम होते हैं, होना चाहिए और करते आऊँगा। मेरा नाम राकेश शिवलाल भावलकर है, मैं टेलीफोन चुनाव चिन्ह से खड़ा हूँ और मुझे भारी मतों से विजय करें मैं आप जनता से या के व्यापारी और आढ़तियों से अपील करता हूँ। ऐसी ताज़ा खबरों की अपडेट के लिए आप देखते रहिए डेली न्यूज़ 9 और हमारे चैनल को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें।